मेरे प्यारे देशवासियों, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित श्रीमान दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे ने अपनी कविता में सावन माह की महिमा कुछ इस प्रकार प्रस्तुत की है। इस कविता में उन्होंने कहा है, होड़ी गे मड़ी गे आग्येद लगना अदराग भूमि मगना, अर्थात बारिश की फुहार और पानी की धारा का बंधन अनोखा है और उसके सौंदर्य को देखकर पृथ्वी मग्न है। पूरे भारतवर्ष में अलग अलग संस्कृति और भाषाओं के लोग सावन के महीने को अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। इस मौसम में हम जब भी अपने आसपास देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो धरती ने हरियाली की चादर ओढ़ ली हो, चारों ओर एक नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। इस पवित्र महीने में कई श्रद्धालु कांवड़ यात्रा और अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं, जबकि कई लोग नियमित रूप से उपवास करते हैं और उत्सुकतापूर्वक जन्माष्टमी और नागपंचमी जैसे त्योहारों का इंतजार करते हैं। इस दौरान ही भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार भी आता है। सावन महीने की जब बात हो रही है तो आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि इस बार अमरनाथ यात्रा में पिछले 4 वर्षों में सबसे ज्यादा श्रद्धालु शामिल हुए हैं। 1 जुलाई से अब तक 3 लाख से अधिक तीर्थयात्री पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन कर चुके हैं। 2015 में पूरे 60 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में जितने तीर्थयात्री शामिल हुए थे उससे अधिक इस बार सिर्फ 28 दिनों में शामिल हो चुके हैं। अमरनाथ यात्रा की सफलता के लिए मैं खास तौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों और उनकी मेहमान नवाजी की भी प्रशंसा करना चाहता हूँ। जो लोग भी यात्रा से लौटकर आते हैं वे राज्य के लोगों की गर्मजोशी और अपनेपन की भावना के कायल हो जाते हैं। ये सारी चीजें भविष्य में पर्यटन के लिए बहुत लाभदायक साबित होने वाली है। मुझे बताया गया है कि उत्तराखंड में भी इस वर्ष जब से 4 धाम यात्रा शुरू हुई है तब से 1.5 महीने के भीतर 8 लाख से अधिक श्रद्धालु केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। 2013 में आई भीषण आपदा के बाद पहली बार इतनी रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री वहां पहुंचे हैं। मेरी आप सभी से अपील है कि देश के उन हिस्सों में आप जरूर जाएं जिनकी खूबसूरती मानसून के दौरान देखते ही बनती है। अपने देश की खूबसूरती को देखने और अपने देश के लोगों के जज्बे को समझने के लिए टूरिज्म और यात्रा शायद इससे बड़ा कोई शिक्षक नहीं हो सकता है। मेरी आप सभी को शुभकामना है कि सावन का यह सुंदर और जीवंत महीना आप सब में नई ऊर्जा, नई आशा और नई उम्मीदों का संचार करे। उसी प्रकार से अगस्त महीना भारत छोड़ो उसकी याद लेकर के आता है। मैं चाहूंगा कि 15 अगस्त की कुछ विशेष तैयारी करें आप लोग, आजादी के इस पर्व को मनाने का नया तरीका ढूंढे, जन भागीदारी बढ़े। 15 अगस्त लोकोत्सव कैसे बने, जनोत्सव कैसे बने, इसकी चिंता जरूर करें आप। दूसरी ओर यही वह समय है जब देश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है, कई हिस्सों में देशवासी बाढ़ से प्रभावित है, बाढ़ से कई प्रकार के नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। बाढ़ के संकट में घिरे उन सभी लोगों को मैं आश्वस्त करता हूं कि केंद्र राज्य सरकारों के साथ मिलकर प्रभावित लोगों को हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने का काम बहुत तेज गति से कर रहा है। वैसे जब हम टीवी देखते हैं तो बारिश का एक ही पहलू दिखता है, सब तरफ बाढ़, भरा हुआ पानी, ट्रैफिक जैम। मानसून की दूसरी तस्वीर जिसमें आनंदित होता हुआ हमारा किसान, चहकते पक्षी, बहते झरने, हरियाली की चादर ओढ़े धरती, यह देखने के लिए तो आपको खुद ही परिवार के साथ बाहर निकलना पड़ेगा। बारिश, ताजगी और खुशी यानी फ्रेशनेस और हैप्पीनेस दोनों ही अपने साथ लाती है। मेरी कामना है कि मानसून आप सबको लगातार खुशियों से भरता रहे, आप सभी स्वस्थ रहें।